नाज़रीन तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आया सूरज कुमार। पाकिस्तान चैंपियंस कप शुरू थी चुको है। जितो इंतजार अस पे वो आखिर में खत्म थो। अज का पे मैच खेलो पे वे पैंथर्स वर्सिस वोवल्स। हाँ इन बिन्हीं विच में जो मैच हलो 160 ब विकेट किरिया इन वक्त जो मोहम्मद रिजवान 26 रन से खेले पे कामरान गुलाम 75 रन से। पर वही खबर यो है, वही अज की खबर यो है तो ICC बाकायदा हिमायत कर छी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। यो है तो टोटल जी टोटल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी, यानी इंडिया जो मैचिस भी पाकिस्तान में थी। को भी मुल्क ICC के को एतराज को है। पूरी जी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान वट होस्टिंग राइट एंड पूरी जी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी। इन पैर जो कुछ गाल हलो पे तो इंडिया जो मैचिस वो UAE शिफ्ट थी वो, पर न ICC यह बिल्कुल तरदीद कई है तो हाँ पूरी जी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में खेली वी। पाकिस्तान जहाँ टे वा ग्राउंड जिते रेनोवेशन जो कम भी हली रो है, कजाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी ग्राउंड से हाँ तैयारियों सजू कंप्लीट हैं। ICC या डेलीगेट भी अची चुका है, पर उनका पैर तैयारियों किथे किथे हलन पा हलन पे। नेशनल स्टेडियम कराची में अस मौजूद हुआसीं और नेशनल स्टेडियम कराची हवा से बुधा तो उतरे जो रिनोवेशन जो कम किथे पहुंचो है। यो एकड़ो ग्राउंड है जिते चैंपियंस ट्रॉफी जो मैचेस थन्दू ताके देखारंदा उनका पो वधिक असा उते गाल बोल कंदा जी। नाज़रीन असा ताके देखारो तो कराची या नेशनल स्टेडियम में जो इनवर कम हली रहा है तमाम जोर से कम हली रहा है। छाकान तो चैंपियंस ट्रॉफी का पेरी पेरी जो है एटलीस्ट पेरे मरहले में जो अभी प्लानिंग थी उस ताई जो है वो टारगेट अचीव करणो। असा के शोएब रहमान साहब जॉइन कर। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सूरज? बिल्कुल ठीक शोएब भाई, आप हर प्रोग्राम में यही कहते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान से बाहर होगी, एटलीस्ट इंडिया के जो मैचेस है वो तो पाकिस्तान से बाहर ही होंगे एनीहाउ। लेकिन अब जो है ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बाकायदा बयान दे दिया, स्टेटमेंट दे दिए तो भाई सारे के सारे मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शोभा नहीं है। जो बातें कर रहे हैं वो बातें ही हैं, लेकिन हकीकत जो ये है कि सारे के सारे मैचेस इंक्लूडिंग इंडियाज मैचेस विल बी प्लेड इन पाकिस्तान। यार देखो, ये आज की डेट में जो ICC ने बयान दिया है ना, वो आज की डेट में बिल्कुल ठीक बयान दिया है। ICC ये कह रहा है कि आज की डेट में हमें किसी टीम ने शिकायत नहीं की और हमें किसी टीम ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे, इंडिया ने आज कोई मना थोड़ी कर दिया है। ICC ने भी तो यार अपना टूर्नामेंट बेचना है ना, उसने मीडिया राइट्स बेचने हैं, दसियों काम करने हैं। ये तो जिस दिन टूर्नामेंट शुरू होने वाला होगा एक हफ्ते पहले, उस वक्त मैं तुमसे बात करूंगा। देखो तो मेरी दिली ख्वाहिश यह है कि इंडिया आए, मतलब मैं ये नहीं चाह रहा कि मेरी बात सही साबित हो जाए, मैं गलत साबित हो जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि इंडिया पाकिस्तान आए, मगर मुझे इंडिया की नियत पे शक है कि इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान। मतलब मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि इंडियन क्रिकेट टीम हमारे पास आए, हम भी उनके प्लेयर्स को जाके देखें, मैचेस हो, हमारा टूर्नामेंट और अच्छा हो जाएगा। तो शोएब भाई ये तो बात की बात है ना, तो ये तो बात की बात है ना, अभी तो फिलहाल आज की बात तो ये है कि भाई सारी टीमें पाकिस्तान आ रही है, तो हमें भी यही बातें करनी चाहिए, सबको यही बताना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए कि यस पाकिस्तान में ही सारा का सारा टूर्नामेंट होगा, इंडिया के मैचेस भी पाकिस्तान में होंगे। आप ये बात करते हैं कि भाई इंडिया नहीं आएगी, उसकी नीयत पे शक है, तो मेरे ख्याल से ये हम ICC के भी खिलाफ जा रहे हैं, अपने PCB के भी खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि हम सबका एक ही बयान है कि भाई सारा का सारा चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में हो। लेकिन आप तो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि भाई मैचेस इंडिया में भारी हो रहा है। कोई मतलब बोलने की कोई हमें फाइनेंस थोड़ी कर रहा है ना, हमें कोई पैसे दे रहा है कि यार आप हमारी तरफ से बोल रहे ना, हम के कोई पेट मुलाजिम है। हम तो एक अपना तजिया देते हैं, तजिया हमारा गलत तो सही हो, एक हमारा तजिया जो होता है माजी की बुनियाद पर होता है कि जो माजी में हो चुका है या इंडिया ने किस किस तरीके का रवैया रखा है, तो हम तो उस बेस पे तजिया देते हैं। यही सारी बातें होती थी एशिया कप से पहले, होती थी कि जनाब ये इंडिया आएगा फलाना आएगा और देखेंगे कैसे नहीं आएगा, एशिया कप गुजर गया, यही बातें होती थी कि वर्ल्ड कप में ठीक है हम भी वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, इंडिया नहीं आया था हम वर्ल्ड कप में चले गए, उससे पहले भी यही ऐसा ही होता रहा। अब भी क्या नाम है वो क्या कहते हैं वो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, और सर अभी कुछ ही दिन तो रह गए 2025 के अंदर, तो आप देख लिएगा क्या होता है। बहरहाल मेरी दिल्ली फाइट में बार बार ये कह रहा हूं कि इंडिया आए, मगर मुझे उनके प्रीवियस रिकॉर्ड से नहीं लगता। ICC बिल्कुल शोएब भाई यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी तजिया होता है वो फैक्ट के बेस पे होना चाहिए। आज फैक्ट ये है कि अज फैक्ट यो है तो पूरी टीमों जो पाकिस्तान अचान लाइ तैयार हैं। ICC भी यो बचे ब्रेकअप वापस इंदा चैंपियंस कप से भी गाला ICC चैंपियन ट्रॉफी से भी गाला ब्रेकअप हो।
वेलकम बैक नाज़रीन असां ॻाल्हि ॿोल्हि कई पिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी छा पाकिस्तान में थींदी या न, छाकाणि त आईसीसी हिकिड़ो बयानु ॾिनो आहे, चीफ एग्ज़ेक्यूटिव आईसीसी जो बयानु ॾिनो आहे त पूरी जूं पूरियूं मैचिस आहिनि उहे पाकिस्तान में थींदियूं, किथां खां बि को एतिराज़ु कोन आयो अञा ताईं, जेका बि तयारियूं थियणियूं पाकिस्तान में उहे थियनि पियूं पंहिंजे मयार मुताबिक़। ऐं शुएब रहमान साहबु हमारे साथ मौजूदु आहे। शुएब भाई, आप कह रहे थे कि भाई सारी की सारी जो मैचिस आहिनि या इंडिया की मैचेस हैं वो पाकिस्तान से बाहर होंगी, ठीक है, फैक्ट के ऊपर बात करनी चाहिए, आपका अपना तजिया है, ठीक है, वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन सर अभी चैंपियंस कप की मैच एक जारी है, मरखोर वर्सेस पैंथर्स। पहले जो है मरखोर जो है पहले बैटिंग कर रहे हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान जो है कैप्टन है वो अभी बैटिंग भी कर रहे हैं 39/48 बॉलों पर, लेकिन यहाँ पर तारीफ मैं करना चाहता हूँ कामरान गुलाम की, एक बार फिर से 87 रनों पर वो खेल रहे हैं, 87 रन 74 बॉल्स, एक अच्छी इनिंग खेल लें अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। हमेशा कामरान गुलाम जो है वो इग्नोर होते हैं पाकिस्तान टीम में, ये एक अच्छा मौका है, अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि परफॉर्मेंस दिखाएं और फिर पाकिस्तान में आ जाएं, टीम में आ जाएं। कामरान गुलाम बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, कामरान गुलाम के पास हमारे पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हाईएस्ट एक सीजन का रन स्कोरर भी है, सर पाकिस्तान के ताजमहल ट्रॉफी के अंदर एक सीजन में शायद 1100 रन जो है उसने सबसे ज्यादा बना रखे हैं, उसने रिकॉर्ड तोड़ा था 84 के अंदर एक हमारे प्लेयर थे सादत अली उनका। तो कामरान गुलाम जो है पिछले 3-4 साल से मुस्तकिल रन करता आ रहा है। अच्छा मैं हमेशा कहता हूँ कि जब प्लेयर्स का एक सीजन चल रहा होता है ना, रन कर रहा होता है, तो उसको लाजमी मौका देना चाहिए होता है। लेकिन मिसाल के तौर पर मोहम्मद यूसुफ ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और उनका 2007 का या 8 का सीजन जो था वो पूरे साल ऐसा चले कि उन्होंने कोई 1785 रन बना दिए एक सीजन में, जो कि क्रिकेट की 147 सारा तारीख का रिकॉर्ड है। सही है। तो क्या होता है कि कुछ पीरियड ऐसा आता है कि प्लेयर्स कुछ भी करें, आप बंद करके खेलें, कुछ भी खेलें, उनका रन जो है ना बनना उगलता रहता है। तो यहाँ पे यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करनी होगी उस पर। सकलेन मुश्ताक जो है वो मेंटोर है इस वक्त पैंथर्स के, और उनका कप्तान बनाया गया है उसी के दामाद को, शादाब खान को, जिसकी अपनी इंफरादी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। अभी भी 5 ओवर्स शादाब खान ने कराए हैं, 35 रन्स दे चुके हैं 7 की एवरेज से, कोई विकेट नहीं लिया। वही बात कि आप कैप्टन उनको बना रहे हैं जिनकी अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वही अगेन जो है दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब चल रहे हैं, सकलेन मुश्ताक अपने दामाद को कप्तान बना दिया, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? यार ये एक प्लेयर नहीं, ये 4 प्लेयर्स के मुतालिक मुझे कहना पड़ेगा। शादाब हो गया आपका, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, और आपका वो चचा इफ्तिखार हो गए। मकसद चचा इफ्तिखार का आपने बयान पढ़ा है? जी जी, 3-4 दिन पुराना। जी 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 बिल्कुल। इफ्तिखार कह रहे हैं कि मैं तो कैलेंडर हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है कि ये मुझे ऑफर खिलाते हैं। मकसद ये बार बार एक जुमला बोलता ना, गधा घोड़ा। मकसद ये सब गधे थे, हमने इनको घोड़ा साबित करने की कोशिश करी, तो ये कसूर किसका हुआ? वो शख्स आज की डेट में नाकाम होने के बाद अपने आप को कह रहा है कि यार मैं तो टैलेंटेड प्लेयर था, मुझे ये लोग ऊपर लाते थे, मैंने कब कहा कि मैं मिडिल ऑर्डर हूँ, मैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन हूँ? नहीं सर, आपने 2-4 छक्के मार दिए, आपने सर आपको कहते कि आपने सर गलत, मैं तो गलत आपने इनकोड किया है मेरे ख्याल से, आपने थोड़ा समझने में आपको कंफ्यूजन हो गई सर। वो असल में ताना मार रहे थे पीसीबी को, क्योंकि उनसे पहले वो हमेशा जो है प्लेइंग 11 में शाहीन अफरीदी इनसे आगे आ जाते थे, शादाब खान इनसे आगे आ जाते थे बैटिंग में, तो ये ताना मारे थे, पहले भी कहते थे सर ये वर्ल्ड कप के दौरान भी वो उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हूँ, मुझे आगे भेजे, लेकिन नहीं, मुझे जो पीछे भेजा जाता है। तो अभी भी वो जो है ताना मार रहे हैं कहीं ना कहीं पे, और कह रहे हैं कि भाई मैं तो कैलेंडर हूँ। वो उसको ताना मारने की जरूरत, वो मकसद कैसे जरूरत हो गई? वो 1 डाउन भी आया है, वो 2 डाउन भी आया है, वो मिडिल ऑर्डर भी आया है, वो नीचे भी आया है, भाई तू कहीं तो रन करता। असल चवीर हमारा 5वें 6वें नंबर पे जाता था, हमेशा रन करता था, ये अब्दुल रजाक आता था नीचे आता था हमेशा। देखो प्लेयर्स के लिए नंबर का कोई मसला नहीं होता, अब्दुल रजाक 6वें 7वें 8वें, अजहर महमूद नीचे आके उसने अपने आप को क्या नाम है दुनिया के सामने शो किया है। तो ये ताने मार रहा है, कुछ भी कर रहा है। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी ने 2-3 छक्के मार दिए, वो अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं, शादाब अपने आप को बैट्समैन कहते हैं। तो यार ये तो हमारे यहाँ तुमने जो बात की थी कि जनाब उस प्लेयर को कप्तान बना दिया, तो ये तो अब कहाँ सकलेन मुश्ताक कितना बड़ा हमारे यहाँ का मिस्ट्री स्पिनर रहा है, और कहाँ उसका दामाद, वो फुल टॉस राइट आर्म फुल टॉस गुगली बॉलर अपने आप को कहता, फुल टॉस बॉलर है बिल्कुल, तो उसको आपने कैप्टन बना रखा है। तो जब इस किस्म की अकरवा परवरी होगी तो जो फेयर टैलेंट होगा
वो फिर कहां से उभर के सामने आएगा। देखे ना, अभी इसी टीम में स्वयं अयूब भी मौजूद है, उनको भी कप्तान बनाया जा सकता था क्योंकि एक यंग है, नौजवान, उनको लीडरशिप क्वालिटीज भी उनमें, मोहम्मद हारिस जैसे बने हुए हैं उनकी टीम में, हालांकि हारिस रऊफ भी है, बाबर आजम भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मोहम्मद हारिस उनको लीड करेंगे, शान मसूद भी उसी टीम में, लेकिन इस टीम में शादाब खान को कप्तान बनाना, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने है, मेरे ख्याल से ज्यादती हुई है कहीं ना कहीं पे पैंथर्स के साथ, पूरी टीम के साथ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ज्यादती है कि शादाब खान जो कि सिर्फ एक लीग वगैरह में चल रहे थे इंटरनेशनली, तो अब मुझे नहीं लगता कि उसका करियर और उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर उसके बारे में सोचना भी चाहिए लाने के लिए। यार इन लोगों ने मकसद आधे तीतर आधे बटेर कंफ्यूज रहे ना, मतलब हम सोचते रहे कि ये सुपरस्टार है, इन लोगों ने 2019 के बाद से टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। 2019 के बाद से तो मैं रिकॉर्ड पता है, पाकिस्तान एशिया की वो वाइट टीम है जो कि सेना कंट्री के अंदर कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सकती, इवन के बांग्लादेश भी जो है ना एक टेस्ट मैच जीत चुकी है। बिल्कुल सर, इंडिया ने 2019 के बाद से 6 टेस्ट मैच जीते, श्रीलंका ने 3 जीते, पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सकी सेना कंट्रीज के अंदर। मतलब इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस जो है ना हमारी किसी एरा के अंदर नहीं रही। तो इन्हीं प्लेयर्स की मरहूम ने मिन्नत है और अभी तक नए प्लेयर्स के मुतालिक नहीं सोचा जा रहा। अच्छा शोएब भाई, एक और भी मैच चल रहा है इसी बरे जगीर में, यानी अपने हमसाया मुल्क में इंडिया में एक और मैच चल रहा है और उस मैच का बड़ा इंतजार हो रहा है और मैच शुरू ही नहीं हो रहा। 4 दिन हो चुके हैं, एक बॉल तक नहीं बॉल हुई, कोई एक्शन देखने को नहीं मिला, कोई खेल नहीं हो पा रहा वहाँ पे। 4 दिन हो चुके हैं, आज का दिन भी कॉल ऑफ किया गया है, आज का दिन भी वॉश आउट हो गया है ग्रेटर नोएडा में, अफगानिस्तान होस्ट कर रहा है न्यूजीलैंड को। भाई ये मैच क्यों नहीं हो पा रहा, किसकी गलतियाँ, क्या हो गया है भाई, ये तो अफगानिस्तान के साथ तो तारीखी सीन हो गया है भाई। नहीं नहीं, ये तो कुदरती हाथ हो गया अफगानिस्तान के साथ के जनाब हमारी होम कंट्री है और फलाना है और ढमकाना है और इंडिया पे तो हमको नाज है, इंडिया ने ऐसी पीठ दिखाई है ना कि अफगानिस्तान को तारे नजर आ गए। अच्छा मजे की बात, कल भी हमने बात की थी कि जनाब जब वो देखा है कि हर कोई इंडिया पे लाल तान कर रहा है, इंडियन मीडिया इंडियन वो बीसीसीआई पे शुरू हो गया। अच्छा फिर मजे की बात देखो, वो बोर्ड जो के क्रिकेट की दुनिया में सबसे अमीर तरीन बोर्ड बीसीसीआई है ना, और उस मुल्क का शख्स जैसा आईसीसी का चेयरमैन, उस मुल्क के क्रिकेट ग्राउंड की हालत तो देखो यार। बिल्कुल, मतलब पैसा कुछ भी हो यार, आप अपने ग्राउंड को तो जिसको आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड कहते हो, जिसको आप टेस्ट के लिए ऑफर कर रहे हो, तो उसमें बेसिक सहूलियात तो होती, बारिश तो एक अलग चीज है। लेकिन इंडिया ने पर वो लेकिन बीसीसीआई ने तो ये लीज पे दिया हुआ है ना अफगानिस्तान को, तो बेसिकली मेंटेनेंस का पूरा काम जो है अफगानिस्तान के जिम्मे है। अच्छा शोएब भाई, यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, पहले जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने यह बयान दिया कि हम आगे से कभी यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे टोटली गड़बड़ है, कोई सहूलत नहीं है, जो हमें फैसिलिटीज का बताया गया था कोई भी हमें फैसिलिटी नहीं मिली है। कल जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और एक बहुत बड़ा यू टर्न देखने को मिला है, उन्होंने ये कहा कल जाके कि हम सारी बातें जो हमने कल की थी वो हम उस पर जो है उसका वो कर रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं बीसीसीआई से, सारी की सारी गलती जो हमारी अपनी है, हमारे स्टाफ ने गलती की है, अपनी गफलत है, इंडिया या बीसीसीआई का इसमें कोई किरदार नहीं है। इतना बड़ा यूटर्न यार, क्या कहेंगे। नहीं, जब वो इंडिया ने आगे दिखाए ना तो उनके सारे 14 तबक रोशन हो गए कि उनको नजर आया कि हम तो भूखे मर जाएंगे, हमें तो पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब इंडिया अगर फाइनेंस नहीं करेगा तो अफगानिस्तान क्रिकेट तो कहीं पर ट्रेवल भी नहीं कर सकती। सही बात। तो उन्होंने उसकी माफी तलाफी की, उन्होंने कहा कि हम सब कुछ अपना इल्जाम अपने उस पर ले लेते हैं कि हमारी गलती थी और ये बारिश भी हमारी वजह से हो गई है। मकसद ये अच्छा। तो बिल्कुल उन्होंने जो बयान वापस लेके और वो इंडिया ने उन्होंने आके दिखाई, मगर फिर भी यार वो बार बार आपने लीज पे दिया कुछ भी दिया, बारिश एक अलग हो रही है, वहां पर हेयर ड्रायर जिससे बाल खुश्क होते हैं यार उससे ग्राउंड खुश्क किया जा रहा है, पेडेस्टल फैन जो शादियों में रखे जाते हैं वो पंखे वहां पर चल रहे हैं, बाथरूम के अंदर खाने के बर्तन धुल रहे हैं, तो यार कैसा आपने ग्राउंड उनको लीज पे दे दिया। मतलब कुछ तो शर्म का मकाम था। और पूरा मजे की बात है, पूरा मीडिया इस वक्त बीसीसीआई पे लानतान कर रहा है, इंडियन मीडिया भी नहीं छोड़ रहा, इवन पूरी पूरे दुनिया का मीडिया जो जहां जहां भी क्रिकेट देखी जाती है सभी जो लानतान कर रहे हैं बीसीसीआई के ऊपर। जब भी जाके बीसीसीआई ने थोड़ी बहुत डंडा दिया, आंखें दिखाई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, फिर जाके उन्होंने अपना बयान वापस लिया। तो कहीं ना कहीं पे गफलत तो दोनों जगह पे हुई है। ठीक है, इंडिया ने भी मेंटेनेंस उस हिसाब से नहीं रखी, लेकिन ये लीज पे दिया हुआ था अफगानिस्तान क्रिकेट के पास, लेकिन सीखे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि हम सब चाहते थे कि यार अफगानिस्तान क्रिकेट टेस्ट में भी अच्छा खेले और न्यूजीलैंड को हराए, टेस्ट में वो होस्टिंग कर रहे थे
होम सीरीज थी अपनी, लेकिन एक भी बॉल अभी तक देखी नहीं गई, खेली नहीं गई, ये अफसोस निकल नहीं होगा। जिस किसी की वहां बारिश हो रही है, कवर्स पे पानी जमा है, कल भी मैच नहीं होगा और ये पांच के पांच दिन जो है ना वो बारिश में नहा धोके वो वहां से निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। उनको चाहिए था कि न्यूजीलैंड को रिलीज कर दे और न्यूजीलैंड का जो अगला टूर है वो शुरू हो जाए। वो सिर्फ बारिश के मजे लेने के लिए आई थी और वो चली गई, तो अफगानिस्तान को भी पता चल गया कि जनाब उनका होम कंट्री, उनके अब्बा ने उनके साथ क्या किया है, तो सही मजे चखा दिए इंडिया। हाँ मतलब दोनों जगह पे गलतियां हुई। अच्छा कल एक मैच हुआ शोभ भाई, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एक T20 मैच हुआ, यकीनन आपने देखा होगा क्या कमाल के कैचेस हो रहे थे, क्या फील्डिंग हो रही थी, क्या उनकी बॉलिंग है। ये जो दो टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बहुत ज़्यादा नहीं आगे निकल गई है कि यार जैसे हॉकी में हम बहुत पीछे रह गए थे, उस पेस को हमने नहीं पकड़ा जो जिद्दत आ रही थी हॉकी में, ऐसे ही जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वैसी जिद्दत आ गई है, वैसी मॉडर्न डे क्रिकेट आ गई है, हम शायद उससे थोड़ा पीछे जा रहे हैं। कल आपने यकीन T20 देखा होगा, वो बड़ा कमाल का T20 हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने वो जीता इंग्लैंड में जाके। यार बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और इसके अंदर न्यूजीलैंड को भी शामिल कर दो, जब ये टीमें आपस में खेलती हैं कमाल क्रिकेट होती है। मतलब इनकी बॉलिंग स्किल, इनकी फील्डिंग स्किल, इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनके, अच्छा फिर अब ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट रही नहीं है, हमने कहा ना कि मकसद इनके बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते हैं तो ये अच्छी बॉलों को, एक तो देखा बैट बॉल को तो हर कोई बैट्समैन मार लेगा, ये लोग एक बॉलर की अच्छी बॉल, फेंकी हुई बॉल को भी इतने मजे से स्कोर करते हैं, तो उनके पास स्कोरिंग शॉट्स जो होते हैं बैटिंग की उसकी उन्होंने रेंज बढ़ा दी है। बिल्कुल, मतलब वो कमाल क्रिकेट खेलते हैं और नई नई जिद्दत लेकर, तभी इसी वजह से क्रिकेट जिंदा है। बिल्कुल, सद यहाँ पर तो हम लोग तो रिवायती क्रिकेट खेल के, पाकिस्तान तो बिल्कुल, इंडिया तो फिर भी कुछ इम्प्रूव कर रहा है, पाकिस्तान ने तो रिवायती क्रिकेट खेल खेल के अपना बेड़ा गर्क कर लिया है और आज हम जिस मकाम पर है उसमें हमारा अपना कसूर है, किसी और का नहीं है। सौरभ गांगुली ने जिस तरह कल भी हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो बिल्कुल ठीक कहा है सौरभ, मकसद मगर एक चीज यह है कि उसमें हमारे बोर्ड का भी कसूर है जो कि यंगस्टर को प्रमोट नहीं करता। टैलेंट तो कहीं ना कहीं अब भी आ रहा है मगर उसको सही मौके नहीं मिल रहे, उसको सही तरीके से पॉलिश नहीं किया दौर में। सर मेन चीज सूरज, आज के जदीद दौर के अंदर आप जन घोड़े पे बैठ के तलवारों से तो नहीं लड़ सकते ना। बिल्कुल, आज का जदीद दौर है, आपने अगर क्रिकेट खेलनी है तो अब वो टाइम खत्म हो गया ना, अब आपको आज के दौर के जो तकाजे हैं उसके हिसाब से आपने ग्राउंड देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपने मकसद, आपको बॉलिंग की मशीनें आ गई है, बैटिंग की प्रैक्टिस मशीनें आ गई है, फिटनेस के लिए नए तरीके के जिम आ गए, आपको नए जदीद कोचेस आप नहीं देंगे तो पैमाने जो है बिल्कुल बदल गए हैं। बिल्कुल, हम अगर उसी रिवायती अंदाज से क्रिकेट खेलते रहेंगे तो हम पीछे आ गए ना। हॉकी भी हमने रिवायती अंदाज से खेली, हॉकी खत्म हो गई। हॉकी के मुतालिक बात कर लें कि एक एशियन चैंपियनशिप हो रही है चाइना के किसी शहर में मौके, तो वहां पाकिस्तान हॉकी जो है, और बड़ी खुशाइन बात है कि कल उसने शायद जापान को हराया 2-1 से, बिल्कुल आज चाइना को हरा दिया 5-1 से और सेमीफाइनल में पहुंच गई। आज आज तो ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान हॉकी के लिए। आज किसको हरा है सर? आज चाइना को हरा दिया है 5-1 से। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त, जापान को तो कल हराया था, चाइना को हरा दिया, जबरदस्त। हाँ, पाकिस्तान हॉकी जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो देखो अब ये लड़के अपने बलबूते पे अपने टैलेंट, तो इसका मतलब है टैलेंट आज भी पाकिस्तान हॉकी का मौजूद है ना। यार हम चाइना जैसे मुल्क को, जापान जैसे मुल्क को अगर हम हराने की सलाहियत रखते हैं तो उनके पास तो किसी भी किस्म की सहूलियात में तो कमी नहीं है। बिल्कुल सर, मगर टैलेंट जो, इसका मतलब है हमारे पास है तो टैलेंट जीत रहा है ना। वो जापान को जाके हरा रहा है, चाइना को जाके हरा रहा है, कोरिया से हमने बराबर खेल लिया था, तो उसका मतलब है लड़के दोबारा उभर रहे हैं। अब मसला ये है कि इनको मुल्क के अंदर किस किस्म की सहूलियात दी जाती है, किस किस्म की, हॉकी के मेरे ख्याल से कहीं टूर्नामेंट होता ही नहीं है शायद। बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल लेवल पे हमें तो नजर ही नहीं आता। तो अपने बलबूते पे लड़के कुछ 4-5 अगर अच्छे जमा हो जाएंगे तो यही हॉकी उड़ जाएगी कुछ अरसे के लिए। हाँ। और फिर वो लड़के चले जाएंगे तो बैठ जाएंगे। अच्छा शोभ भाई, अच्छा ये एक तो फैसलाबाद के क्राउड ने बहुत अच्छा वेलकम किया है, बहुत बड़ी तादाद में जो लोग निकले हैं आज का मैच देख रहे हैं चैंपियंस कप का। उसके बाद दानिश कनेरिया और अली खान, अली खान का ताल्लुक भी पाकिस्तान से, दानिश कनेरिया भी यकीन आपको पता है कि पाकिस्तान से खेले हुए हैं, अच्छे मायानाज स्पिनर थे। लेकिन शोएब भाई, अली खान जो अभी USA के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई पाकिस्तान को हम हराने की एक बार फिर से सलाहियत रखते हैं और हराएंगे भी सही। और दानिश कनेरिया ये कह रहे हैं कि भाई PSL में वो प्लेयर जो खेलते हैं जो किसी और लीग में सिलेक्ट नहीं होते, किसी और लीग में जो नहीं होते। ये बेसिकली आपकी जो आखिरी कमेंट यहाँ पे लेंगे दानिश कनेरिया के ऊपर, उसके बाद हमें वाइंड अप करना होगा। जी सर,
दानिश कनेरिया तो एक वाहियात किस्म का आदमी है पाकिस्तान से इतनी क्रिकेट के लिए, तो अगर उसके कुछ बयान सही भी होंगे ना तो वो तो पाकिस्तान के बोगस में बोलता है। और सर किसी हद तक ये बात सही है कि कुछ प्लेयर, सारे के सारे प्लेयर ऐसे नहीं होते, हमारे यहाँ नामी गिरामी प्लेयर आते हैं, इक्का दुक्का प्लेयर आते हैं। तो दानिश कनेरिया जो ये बात कर रहा है ये तो बोगसे पाकिस्तान में बात कर रहा है। हाँ, तो मतलब ठीक है शोएब भाई, ठीक है। हाँ, उनको नेशनल लीग के चक्कर में ये बातें करता रहता है शोएब भाई। टाइम की बड़ी किल्लत है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़िम सुभाणे भी तव्हां मुलाकात थींदी, बल्कि ईंदड़ हफ़्ते तव्हां मुलाकात थींदी। सूमर जे ॾींहुं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, इजाज़त ॾींदा, अलाह हाफ़िज़।